नमस्कार दोस्तों, वापस स्वागत है आपका चैनल बंक स्ट्रीट में। मैं हूं सुनील बसानी और डिस्कस करेंगे आईएएस बाबा के सॉरी हाँ आईएएस बाबा के डेली करंट अफेयर्स यहां पे 3 जनवरी 2019 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो यहां पे ये है वो है कि एक बिल आया है यहां पे पार्लियामेंट में पास होने वाला है जिसमें कि वॉलंटरी यूज आधार आईडी का किया जाएगा। देखिए पहले क्या था ना कि मैंडेटरी था कि आपको आधार आईडी को लिंक करवाना ही पड़ेगा आपको अगर अपने मोबाइल नंबर के साथ बैंक अकाउंट के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि देखिए यहाँ पे हो ये रहा है कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं यहाँ पे ये बोला जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जैसे क्या हो रहा है कि जितना भी आधार आईडी लिंक हो रहा है उतना जो प्राइवेसी है उसका इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, प्राइवेसी यहाँ पे चोरी हो रहा है क्योंकि एक ही कार्ड में एक इंसान का सारा डिटेल्स है और उस कार्ड को वो इंसान को हर जगह यूज करना है। तो दैट मीन्स कि वो जो प्राइवेसी है वो काफी रिस्क में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इस तरह का मैंडेटरी यूज तो नहीं होना चाहिए, मतलब कंपलसरी सिर्फ आधार कार्ड का यूज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बिल आया जिसमें बोला जा रहा है कि ठीक है, तो मैंडेटरी यूज नहीं करके एक वॉलंटरी यूज डालेंगे कि इंसान को अगर मन करे कि उसको अपना आधार आईडी लिंक करना है तो वो अपना आधार आईडी लिंक कर सकता है। तो ये पहला आज का करंट अफेयर्स हुआ। सेकंड करंट अफेयर्स है कि कमिटी इन न्यूज़ यूके सिन्हा। तो यूके सिन्हा कमेटी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए हुआ ये है कि जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ और जीएसटी आया, MSMEs या फिर यूँ कहूँ कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेला क्योंकि वो लोग एक कच्चा जो बोलते हैं पैसा उस पर व्यापार करते थे, इसके अलावा जीएसटी के बारे में ज़्यादा नॉलेज उनको था नहीं। तो जब ये सब चीज़ आया तो वो लोग बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हुआ और दैट इज़ बिकॉज कि वो लोग को रिवाइवल अभी तक मतलब इस समय तक इतना समय हो चुका है पर अभी भी वो लोग सही से रिवाइव नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि एक नया कमेटी बनाया गया, एक्सपर्ट मेंबर कमेटी है 8 मेंबर्स का, अब लोग स्टडी करेंगे और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देंगे कि किस तरह से माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को अब रिवाइव किया जा सके। तो ये दूसरा करंट अफेयर्स हुआ। थर्ड करंट अफेयर्स में जाएंगे, 3 बैंक का अमलगेशन होने वाला है। अमलगमेशन मतलब होता है मर्जिंग, मर्ज होने वाला 3 बैंक। यहाँ पे 3 बैंक का नाम याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजय जो विजय बैंक होता है और देना बैंक जो होता है, तो तीनों मर्ज होने वाला है। बड़ौदा वो ट्रांसफरी बैंक होने वाला, मतलब ये बाकी दोनों बैंक विजय और देना बड़ौदा में आके मिलेंगे और जो विजय और देना है इनको ट्रांसफरर बैंक कहते हैं। तो सवाल में अगर आए कि व्हाट वाज द ट्रांसफरी बैंक इन द मर्जिंग ऑफ बड़ौदा विजय एंड देना, तो आप लोग को आंसर पता होना चाहिए कि बड़ौदा इसका आंसर होगा। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि जो इमर्जिंग जो बैंक बनेगा उसका नाम बैंक ऑफ बड़ौदा दिया जाएगा और इस तरह से क्या होगा, ग्लोबली एक कम्पीट करने लायक अच्छा सा बैंक क्रिएट होगा ताकि क्योंकि ये तीनों बैंक के पास उतना ज़्यादा रिसोर्सेज है, मतलब सिंगल परफॉर्मिंग के लिए उतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है पर अगर तीनों मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रिसोर्स क्रिएट हो जाता है परफॉर्म करने के लिए, ये बोला जा रहा है। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि चाइना जो है वो एडवांस वॉरशिप बना रहा है पाकिस्तान के लिए, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। तो ये चाइना बोल रहा है कि पहला 4 मोस्ट एडवांस नेवल वॉरशिप पाकिस्तान के लिए बनाया जा रहा है क्योंकि एक आर्म्स डील है, बायलेटरल आर्म्स डील, ताकि पावर मेंटेन किया जा सके जो इंडियन ओशन है उस पर। तो इसीलिए क्योंकि देखिए पाकिस्तान बहुत कम पावरफुल है इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया, तो इस वजह से क्या कर रहा है कि चाइना यहाँ पे पावर मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान को यहाँ पे मोस्ट एडवांस नेवल वॉरशिप्स जो है वो गिफ्ट कर रहा है। चाइना एक ऑल वेदर एली है, मतलब हर मौसम में जो दोस्त बोलते हैं वो दोस्त है इस्लामाबाद या कि या यू बोलो कि पाकिस्तान का, और ये दोनों मिल करके एक JF थंडर नाम का सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बनाने वाला है। ये हो गया। अब इसके बाद देखेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI। तो यहाँ पे होता ही है कि एक कोई भी कंट्री किस तरह का परफॉर्म किया है यहाँ पे पूरा वर्ल्ड में अपना क्लाइमेट को बचाने के लिए, उसका ये इंडेक्स होता है। मोरक्को जो है वो सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री आफ्टर स्वीडन, स्वीडन नंबर 1 में आता है। मोरक्को जो है बहुत अच्छा इस बार परफॉर्म किया है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है अपना जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको, नॉन रिन्यूएबल को हटा कर नया रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे लगाने की कोशिश किया है। बॉटम 5 अगर देखें तो सऊदी अरेबिया, US, ईरान, साउथ कोरिया और ताइवान आते हैं। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मोरक्को जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्लांट ग्रिड के साथ जो है अब कनेक्ट होने वाला है और अपना टारगेट जो है 42% का वो 2020 तक वो अचीव कर लेगा। तो ये बोला जा रहा है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस और पूरा दुनिया के लिए अच्छी बात है ये। इसके अलावा यहाँ पे बात किया जा रहा है 2 यंग वुमेन जो है वो साबरीमाला अयप्पा टेम्पल
जो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टेम्पल बन चुका था अभी करेंटली, क्योंकि वहाँ पे औरतों का घुसना मना था बेसिकली, जो कि 10 से 50 साल के बीच में जो औरत आती हैं वो नहीं घुस सकते हैं, बच्चे घुस सकते हैं, और 50 साल के बाद की औरतें और तो घुस सकती थी, पर बीच के औरतों को यहाँ पे घुसने नहीं दिया जाता था। तो ड्यू टू औरतों को ये लगने लगा कि उनका जो लगने क्या लगा यही हो रहा था कि औरतों का जो मतलब एक इक्वालिटी होता है उसको यहाँ पे मेंटेन नहीं किया जा रहा था। तो उसके बाद काफी ज्यादा प्रोटेस्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस तरह का चीज जो है वो नहीं होना चाहिए। तो दो यंग वुमेन बहुत पहले सितंबर 28 में वर्डिक्ट दे दिया था सुप्रीम कोर्ट कि यहाँ पे किसी भी तरह का जो रोक टोक है वो नहीं होना चाहिए औरत को। लेकिन क्या होता है कि अब जा करके दो यंग वुमेन, पहला का नाम है बिंदु जो कि कोझी कोटे से है, और दूसरा का नाम काना कदुंगा जो कि मल्लापुरम से है, तो ये दोनों क्या कि सबरीमाला में घुसी है पुलिस कवर के अंदर। और ये बोला जा रहा है कि इस वजह से पूरा स्टेट में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहा है कि गवर्नमेंट बहुत, सरकार बहुत खराब है। वहाँ के जो चीफ प्रेस्ट है जो मंदिर के, उन्होंने प्योरिफिकेशन का रिचुअल किया कि वो जो मंदिर है उसको प्योरीफाई किया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने यही ये पहले ही कहा था कि किसी तरह का अगर इम्प्यूरिटी या फिर पॉल्यूशन की बात किया जाए तो उसको अनटचेबिलिटी का अमाउंट दिया जाएगा कि अनटचेबिलिटी वो इंसान करने की कोशिश कर रहा है और वो बहुत बड़ा एक अपराध है। यहाँ पे इसके बाद एक डाउन टू डस्क स्ट्राइक किया गया कि मतलब सुबह से रात तक कोई भी मतलब काम नहीं होगा, पूरा स्ट्राइक रहेगा पूरा सिटी स्टेट में। तो ये तो सब तरह का चीज़ आप देखिएगा कि अयप्पा टेम्पल में हुआ है। चलिए ये हो गया मेंस फोकस, अगला हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉरी प्रीलिम्स फोकस हो चुका है, मेंस फोकस हम लोग डिस्कस करेंगे और जल्दी ही इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड नेक्स्ट डे।